होली के बाद आने वाली अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शीतला माता बच्चों की सेहत की रक्षा करती है और धन संपत्ति का भी आशीर्वाद देती है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले मीठे चावल, राबड़ी, पुए, हलवा, रोटी आदि पकवान बनाए जाते हैं, जिनका भोग शीतला अष्टमी के दिन देवी माँ को लगाया जाता है। YouTube के माध्यम से हिट एंड फिट द फूड चैनल की तरफ से आप सभी को आने वाली शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सबको सिखाने जा रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध व गर्मियों में ठंडक पहुंचाने वाली जौ की राबड़ी। जौ की राबड़ी के मेन इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पर मैंने जौ का दलिया लिया है, यह आपको आसानी से ग्रोसरी की शॉप पर मिल जाएगा। भुने जीरे का पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने पुदीने की पत्तियों को ड्राई कर क्रश कर लिया है और यहाँ पर काला नमक लिया है, सेंधा नमक लिया है और यहाँ पर काली मिर्च को मैंने कूट लिया है। यहाँ पर छाछ लिए, छाछ इस राबड़ी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जो कि राबड़ी बनाने के लिए हमने स्टील का सॉस पैन ले लिया। एल्युमिनियम का बर्तन मत लीजिएगा क्योंकि एल्युमिनियम हमारे लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है, स्लो पॉइजन का काम करता है और यहाँ पर हम खट्टी चीज बना रहे हैं तो प्लीज उसके लिए तो बिल्कुल हानिकारक होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जौ का दलिया है इसमें डाल देंगे। आप क्वांटिटी उतनी लीजिएगा जितना आपको बनाना है। अब हम इस बर्तन में छाछ डाल देंगे। छाछ धीरे धीरे कर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से छाछ में मिक्स कर देंगे। जो हमने दलिया लिया है जौ का, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी कर छाछ डालेंगे। आज हम और डाल देते हैं इसके अंदर। वापस से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं इसे। आप चम्मच से या किसी से भी मिक्स कर सकते हैं, विस्कर हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तरह से हो जाता है मिक्स। अब हम इसमें सारी जो छाछ है वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो कि राबड़ी बनाने के लिए हमने इंडक्शन को ऑन कर दिया है। इंडक्शन के ऊपर हमने जो ये सॉस पैन है वो रख दिया है। जब भी आप ये जो कि राबड़ी बनाए तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, ज्यादा हाई ना करें और प्लीज इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा, वरना क्या होता है जो जौ का दलिया होता है वो तले में बैठ जाता है और जलने का डर रहता है। बस यहीं पे हमें मेहनत करनी है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत ही हेल्दी टेस्टी राबड़ी बनेगी और इसे गर्मियों में हमें जरूर पीना चाहिए। अब इसमें हम पानी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद भी हमें इसे मिलाना है अच्छी तरह से, बस कंटिन्यू चलाते रहना है और इसे उबलने देना है। हमारी जो जौ की राबड़ी है काफ़ी थिक हो चुकी है। हमने कम से कम इसे 20-25 मिनट तक उबाला है और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखा है। आप देख सकते हैं इसके दाने जो हैं वो खिल के आ गए हैं। अगर आप एक बार इसे मैश करके भी देखेंगे, थोड़े से दाने जो छोटे छोटे होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल मैशी हो जाए। इट मीन्स क्या है, हमारी राबड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है सेंधा नमक डाल देंगे। प्लीज आप भी सेंधा नमक डालिएगा, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है ये। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक अभी हम कम डाल रहे हैं क्योंकि जब हम रेडी करेंगे राबड़ी को उस समय भी इसमें नमक डलता है, सेंधा नमक भी डलता है, काला नमक भी डलता है, तो ज़्यादा ना डालें अभी नमक। नमक डालने के बाद भी हमने इसे थोड़ा बॉयल कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है। बस अब हम क्या करेंगे, इंडक्शन को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमारी जो कि राबड़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कितनी थिक हो चुकी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है। अब हम राबड़ी कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने बाउल ले लिया है। बाउल में जो थिक राबड़ी थी वो डाल दी है और विस्कर ले लिया है, इससे अच्छी तरह से विस्क कर देंगे। अच्छी तरह से इसको घोटना है ताकि इसमें थोड़े से भी जो लम्स हो वो हट जाए और लम्स नहीं रहे। आप भी प्लीज अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर फ्रेश छाछ ले ली है, इसमें छाछ डाल देंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी थिक राबड़ी पीना चाहते हैं या कितनी लूज, पर इस समय आप छाछ बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। आप
इस छाछ को भी इस राबड़ी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से विस्क कर दीजिएगा, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। हम इसमें थोड़ी और छाछ डाल देते हैं। इस राबड़ी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी राबड़ी की यही पहचान है, अच्छी तरह से घुट जानी चाहिए छाछ में ये। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यह जो कि राबड़ी बहुत ही हेल्दी होती है, टेस्टी होती है और ठंडक प्रदान करने वाली होती है। हमारी जो कि राबड़ी बनकर रेडी है, हमने इस तरह से सर्व किया है। अगर आप इस शीतला अष्टमी पर इसका भोग लगा रहे माता को, तो आप प्लीज जिस तरह से भी आपके रिचुअल्स अलाउ करते हैं उस तरह से लगाइएगा, क्योंकि सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप डेली यूज में गर्मियों में इसे यूज कर रहे हैं, तो मैं एक और तरीका आपको बताऊंगी जो बहुत ही हेल्दी व टेस्टी लगेगा। हम आपको राबड़ी का दूसरा तरीका भी सिखा रहे हैं सर्व करने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल देंगे, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, कुटी हुई काली मिर्च भी डाल देंगे और पुदीने का पाउडर भी डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये मसाले वाली राबड़ी भी आपको बहुत पसंद आएगी, खास तौर से हमारे राजस्थान में। जब हम बड़ी बड़ी होटल्स या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो इस तरह से सर्व करके दी जाती है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। जो कि तासीर बहुत ठंडी होती है, इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर्स, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होता है। गर्मियों में इसका सेवन करना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह शरीर में ठंडक पहुंचाती है। तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि इस राबड़ी को गर्मी में बनाकर जरूर पीजिए। शीतला अष्टमी पर बनाए जाने वाले अनेक पकवानों में से एक रेसिपी जो होती है राबड़ी की भी होती है, जिसका भोग खास तौर से माता को लगाया जाता है। तो प्लीज आप इसे जरूर बनाइएगा और माता को भोग अवश्य लगाइएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको जो कि राबड़ी बहुत पसंद आ रही होगी। तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं।